ऑपरेशन लोटस बनाम ऑपरेशन लालटेन। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से कई राज्यों में हमने ऑपरेशन लोटस चलते देखा, अच्छी भली सरकारों को गिरते भी देखा, कई पार्टियों को टूटते देखा और कई बड़े शान से गोदी मीडिया और बीजेपी नेताओं ने इसे क्या नाम दिया, ऑपरेशन लोटस। लेकिन ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन लोटस को लग गई है नज़र। जी हाँ, ऑपरेशन लालटेन को लग गई है नज़र, क्योंकि बिहार में ऐसे खेले की आहट सुनाई दे रही है जो अभी तक, मतलब कम से कम पिछले 8-9 सालों की राजनीति में किसी ने ना सुना है ना ही किसी ने दिखा है। वो पार्टी जो दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करने के लिए मशहूर हो चुकी है, वह पार्टी जो दूसरी सरकारों को गिराने के बाद ऑपरेशन लोटस के जरिए अपनी सरकार बनाने के लिए मशहूर हो चुकी है, उस पार्टी को डरा रहा है ऑपरेशन लालटेन का डर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 12 तारीख को, मतलब कि 12 फरवरी को बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है ऑपरेशन लालटेन के जरिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था, जिसमें कांग्रेस सूत्रों ने ये दावा किया था कि कई जेडीयू के विधायक उसके संपर्क में हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों का दूसरी पार्टियों के संपर्क में होना समझ में आता है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में अब कोई बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत नहीं रही। लेकिन बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी जिसके पास वो चाणक्य है, जिनकी कोई चाणक्य नीति कभी फेल नहीं होती, उस बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इतना बड़ा डर बकायदा बीजेपी के उन विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यह सब कुछ हो रहा है बिहार में। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ ऑपरेशन लालटेन के डर से हो रहा है, जो कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। और दोस्तों, यह खाली लवबाजी नहीं है, बड़े बड़े अखबारों ने, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने बकायदा एक ही खबर छापी है। लेकिन दैनिक भास्कर की खबर, बिहार में लोटस का जवाब ऑपरेशन लालटेन से, पहली बार भाजपा को भी अपने विधायकों को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। यह मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को इकट्ठा करके बोधगया भेज दिया है। देखिए एक खबर आपको बताती हूँ, जिसमें बिहार भाजपा की ओर से 10 और 11 फरवरी को बोधगया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और बकायदा इसके लिए 11 तारीख शिफ्ट कर दिया गया है बोध गया, क्योंकि 12 तारीख को उसके बाद प्रोटेस्ट ही है, यानी कि बीजेपी के विधायकों के भी टूटने की संभावना है क्या। और यह केवल एक दो जगह नहीं, कई जगह छापा गया है कि ऑपरेशन लालटेन से खौफ में है बीजेपी। का सवाल ये है कि बीजेपी के विधायकों को भी कोई तोड़ सकता है। इस बीच प्रतीक पटेल नाम के एक यूज़र ने, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। 12 फरवरी को बिहार में तेजस्वी का खेल खेला हो या ना हो, लेकिन आग जबरदस्त लगी है। वक्त देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही है कि हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है। मोदी और अमित शाह की पार्टी बीजेपी अपने विधायकों को विश्वास प्रस्ताव के दिन, यानी 12 फरवरी तक के लिए बोधगया ले जा रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। सवाल ये है दोस्तों कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को इतना विश्वास है कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनके पार्टी को या उनके विधायकों को तोड़ ले, तो फिर उनको एकजुट रखने के लिए बोधगया क्यों भेजा जा रहा है? भाई क्या ज़रूरत है पटना में रखें, जैसे कि आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को रखा है? दोस्तों, डर वाजिब है, क्योंकि आरजेडी को अगर खेला करना हुआ तो उसको कोई बल्क में बहुत सारे विधायक नहीं चाहिए, केवल और केवल 8 विधायक ही चाहिए। दोस्तों, आरजेडी और उसके गठबंधन के पास, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास बिहार में 114 विधायक, 122 के जो बहुमत का आंकड़ा है उसे कम से कम 8 है। जीतने के लिए राम मांझी पर भी थी, जितने राम मांझी लगातार बीजेपी को आंखें दिखा रही थी कि भाई हमें एक मंत्री पद नहीं, हमको दो मंत्री पद नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री पद आपके लिए छोड़ा है। लेकिन फिर भी अगर टन राम बाजी के लिए 4 विधायक आ जाते हैं, फिर भी 4 विधायक
कम पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को अगर वह खेला करना चाहते हैं तो वह चार विधायकों को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। कुछ विधायक बीजेपी के टूट सकते हैं, कुछ विधायक जेडीयू के टूट सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने तो पहले ही ये कह दिया था कि बहुत सारे जेडीयू के विधायक कांग्रेस के संपर्क में। इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार मंत्री श्यामल कुमार ने भी यह कहा है, विधायक को लालू प्रसाद यादव का प्रभो के लोग खुद मान रहे हैं कि उनके विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी और नीतीश कुमार का खेल अवध बिहारी चौधरी ने भी बिगाड़ दिया है। दोस्तों, अवध बिहारी चौधरी है बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष। अब 12 फरवरी को जब प्रोटेस्ट होगा तो विधानसभा अध्यक्ष पर बहुत कुछ निर्भर रहता है, और विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के सदस्य आरजेडी से ही आते हैं। अवध बिहारी चौधरी और अवध बिहारी चौधरी ने के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अवध बिहारी चौधरी के भी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि वो किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी का ये कहना है कि जब उनको नोटिस मिला अविश्वास प्रस्ताव का अपने खिलाफ, तो उस नोटिस के बाद 14 दिन तक उनके पास वक्त है कि वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो अगर विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के हुए फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार और बीजेपी को करना हुआ और बीजेपी के विधायक टूट गए, जेडीयू के विधायक टूट गए और उस वक्त फ्लोर में हो गया खेला, तो बिहार में बहुत बड़ी किरकिरी नीतीश कुमार की तो होगी ही होगी, 200 बीजेपी की हो जाएगी। 200 इस विस्तार से मैंने कल वरिष्ठ पत्रकार राजू पेरले करर से भी चर्चा की थी। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। बिहार में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है राजू, फ्लोर टेस्ट है राजू जी, लेकिन हर दिन खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के कोई कह रहा है 12 विधायक गायब है, कोई कह रहा है 6 विधायक गायब है, कोई कह रहा है 8 विधायक। आरजेडी के संपर्क में जितने राम मांझी जिर्गो इंडिया गठबंधन ने सीएम बनने का ऑफर दिया है वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, और जो विधानसभा के अध्यक्ष थे आरजेडी के, अभी भी वो विधानसभा के अध्यक्ष ही हैं, और वह कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरा अधिकार है, आप प्रोटेस्ट मेरी मौजूदगी में ही दीजिए। आपको क्या लगता है 12 तारीख को कोई सियासी ड्रामा हो सकता है, क्या होगा और उनका अधिकार क्या बनता है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ, नाना पटेल ने रिजाइन किया था, वहाँ उल्टी स्थिति महाराष्ट्र में तो सभापति ने ही की थी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार गिरना तय था। महाविकास आड़ी सरकार गिरती ही नहीं, कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं, मौजूदा महाराष्ट्र के नाना पटोले को वो अध्यक्ष थे, सभापति थे, उन्होंने रिजाइन करके वहाँ पर वे बने कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसलिए सारा खेला हो गया। खैर वो बात अलग है, लेकिन बात यह भी है कि नीतीश कुमार को कोई फ्यूचर नहीं है, और नीतीश कुमार को सांस लेने की वजह से बिहार में बीजेपी को कोई फ्यूचर नहीं है। नीतीश कुमार का अभी कोई भी अथॉरिटी नहीं है, नीतीश कुमार जनता के लिए इसमें आपका काला है तो काला ही लिखता है, सफ़ेद तो सफ़ेद ही लिखता है। नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से ही जाना जाएगा, और पलटू राम के लिए दरवाजे जो हमेशा के लिए अमित भाई ने बंद कर दिए हैं वह खोल दिए हैं, ये तो उनको भी दोष में दोष जो गुना है उसमें बराबरी का दोषी माना जाएगा। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबरी लल्टी।